उनके साथ इंटरेक्शंस हुए हैं उनकी टीम से, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं आर यू एक्साइटेड, और मैं ऐसे बोल रही हूँ इट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टेड, कि मतलब मुझे, तो मैंने बोला ऐसे मुझे शायद यू नो कई बार हम चीज़ों के लिए हाँ बोल देते पर हमें प्रोसेस नहीं होता कि हमने किया क्या है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे वो वक्त मिला इस चीज़ को प्रोसेस करने का कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मैं क्यों जा रही हूँ या अब क्या या ओ वाओ। मैंने कहा मुझे वो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला है। सो इन शॉर्ट आज मेरा पहला दिन है जब मैं ऐसे रिलैक्स्ड हूँ, हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ है, बट एटलीस्ट इट्स नॉट लाइक शूट भी चल रही है, डायलॉग भी लर्न करने, शॉट भी देना है, इमोशन भी करना है, यहाँ पर दिमाग से केयरफुली सारी चीज़ें भी इंटरेक्ट करनी है, यू नो कि यू आर नॉट गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, डॉक्यूमेंटेशन राइट हो रहा है। सो या तो ऑनेस्टली वो प्रोसेस नहीं कर पाई मैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और जब अंकित भाई और प्रियंका वो जब वो लोग गए थे और फिर मैंने बेकाबू किया, शालीन भाई से मिला, तो उनकी जो स्टोरी सुनता था तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये मतलब एक तो बचपन से ड्रीम तो था ही। मैंने फर्स्ट इनका गौतम गुलाटी वाला सीज़न देखा था तो मेरे को लगा था यार कि मतलब मैं और मेरी सिस्टर बात करते थे कि निशु जब तू जाएंगा तो की होगा, मैं क्या मैं तो जित तक ही आऊँगा। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी इतना स्ट्रगल देखा, यहाँ तक पहुँच गया, तो जब मेरे को अप्रोच किया गया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और क्या प्रिपरेशन की है, बस जैसे हैं वैसे ही रहना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसी रियल पर्सनैलिटी है वैसी दिखानी है, और होपफुली सबको पसंद आएगी मैं जैसा हूँ। अभी तक तो सबको पसंद आ रहा हूँ, बाकी अंदर देखते हैं सबको पसंद आता हूँ या नहीं हूँ। तो कितना मजा आने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हो ये मुझे नहीं पता है, कपल वर्सेस सिंगल हमें तो नहीं कुछ बताया गया, बट हाँ मीडिया में ही पता चल रहा है कि ये कपल वर्सेस सिंगल है। कुछ भी हो यार, हम सिंगल लोग हैं, सिंगल जाएंगे, अकेला वन मैन आर्मी, जैसे सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ शुक्ला जी। तो मैं सिद्धार्थ सर की एक बात बताता हूँ उनसे, मतलब बात से अगर नहीं, मैं उनकी एक बात बताता हूँ। तो हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया थी ना मूवी, तो उसमें मैं क्राउड में था, मैं क्राउड में काम कर रहा था, तो वो जीरकपुर हमारे पंजाब में शूट हो रही थी, तो मैं उनसे वहाँ पे मिला था फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा यार कितना हैंडसम बंदा, इतना लंबा चौड़ा, क्या लग रहा है ना। तो उस टाइम वो गाना शूट हो रहा था, ती देंगड़ देंगड़ हो एक गाना था, तो मैं क्राउड में था। तो मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया, क्या जर्नी थी। सिद्धार्थ सर से यही सीखा यार कि लोगों को तो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो तब भी बोलेंगे, चाहे आप बुरा करो तब भी बोलेंगे, बस अपने स्टैंड पे रहना है, हर चीज़ प्रॉपर करनी है, अपने स्टैंड से हिलना नहीं है। अगर तुम हो तो तुम अकेले ही काफ़ी हो, तुम्हें किसी और किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो पार्टी नाइट लाइफ डिस्ट्रैक्ट करती है, मेरे को किसी चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था। मैं ना पार्टी करता हूँ, ना मैं कोई नशा करता हूँ, ना हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब फ्लर्ट कर लेता हूँ, तो ये सब तो ज़रूरी है यार थोड़ा सा। तो अपना फोकस ना हटाओ, फोकस रखो और सब हो जाता है धीरे धीरे। मतलब पेशेंस तो चाहिए इस फील्ड के लिए, तो बहुत पेशेंस चाहिए। काफी दिमाग मचाने वाले हो आप। अरे मैं जीत के आऊंगा। वाह वाह, बधाई हो अभी से। थैंक यू। बेसिकली उसको ना मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं रिजेक्ट करेगा। आई वॉज बेसिकली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब मैं उसका ब्लेम भी खुद के ऊपर ही डालूंगी कि मैं ही प्रिपेयर्ड नहीं थी। आई वॉन्टेड टू गो, पर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शायद अपने लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, या आई शुड स्पेंड सम मोर टाइम विथ माई सेल्फ सो दैट मैं थोड़ा और पॉलिश हो जाऊँ ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, और अकेले इतना सब करना यू नो मेरे लिए बहुत नया है। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर उडारिया भी चल ही रहा था। सो आई थॉट कि यार जो मेरा डेब्यू शो है और मैं डेफिनेटली उसको पहली प्रायोरिटी दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरा रनिंग शो था, तो दैट वाज द रीजन कि मैंने तब नहीं किया। बट एज सून एज आई गॉट फ्री फ्रॉम उडारिया तब तो मैंने सोचा यार अब तो डिले करने की कोई बात ही नहीं है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग। एंड हाउ डू यू सी रियलिटी शो लाइक बिग बॉस? यार बिग बॉस ना मेजरली मतलब सबके अपने एक अलग अलग गोल्स होते हैं कि बिग बॉस में क्यों जा रहे हैं, सबका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेजरली मेरा ये है कि अभी तक ना लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है इन द शो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडस्ट्री से हटके हैं, जो शो देखते हैं, जो ऑडियंस है बेसिकली, उनको ना ये बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन समबडी इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है। सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि यार हमको देखना है कि इसका रियल पर्सनैलिटी क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐसी ही है शायद, तो वो है कि मैं वहाँ जाके दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी हूँ। फाइनली लोग देखेंगे कि 24/7 मैं कैसे रहती हूँ, खाना पीना उठना सोना मस्ती रोना गुस्सा एवरीथिंग। So yeah, I just want to show Isha's shades. Right.
लास्ट दो बिग बॉस रहती है ना कि हाँ मुझे कैप्टन बनना चाहिए ये वीक में, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक. यार मेरे पास कोई भी अगर टास्क आता है तो मैं अभी फॉर राइट नाउ मैं सिर्फ इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि मैं उसमें अपना 100% 200% लगा के परफॉर्म करूंगी. अगर मैं जीती दैट इज ओके, नहीं भी जीतती दैट इज ऑल्सो ओके. मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, रश नहीं है, हरी नहीं कि अच्छा ओके सबको एकदम पछाड़ के कैप्टनसी ही चाहिए. थोड़ा आप कहीं भी जाओगे बट डोंट फॉरगेट टू टेक अप द ह्यूमैनिटी, दैट्स डेफिनेटली माय पॉइंट.